वाला चला आना पहले आओ ना फिर साउन चले फिर करके ना फिर चेक कीजिए अगर ना चले तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पटवारी है तो सरकार है, पटवारी है तो सरकार है, पटवारी है तो सरकार है। एसोसिएशन के साथ बैठे हैं, ये हमारा परिवार है, हम इनके परिवार हैं। आज 5 दिन से हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे दर-बदर हो रहे हैं, सफर हो रहे हैं, किसी के कान से जों तक नहीं रिंगी है। बड़े मुझे दुख से आज यहाँ इनके साथ बैठना पड़ रहा है। गलतियां माजी में सरकार ने की हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, और भुगतान पब्लिक को और इनको करना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ माजी की सरकार को भी, ऑन लेवल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आज ये पटवार एसोसिएशन आप देखें, 47 में जो हमारे लाका गालका जात थे वो 10,000 या 15,000 पर थे, आज एक एक हल्का जो है 25-30,000 क्रॉस कर चुका है और एक ही पटवारी है। 4 तहसीलें हैं, 1 गिरदावर है। आप मुझे बताएं, 1 गिरदावर, कुछ पटवारी जो है वो नए हैं, ये हमारे पटवारी पीछे पुराने बैठे हैं, जिनको मुझे देखते हुए जो है 30 साल हो गए हैं। उस वक्त भी पटवारी थे, आज भी ये पटवारी के पटवारी हैं। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर सरकार का हिस्सा है तो ये पटवारी हैं, ये गिरदावर हैं, ये रेवन्यू डिपार्टमेंट है, ये परिवारों को भी जोड़ता है, ज़मीनों के जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा है यही जोड़ करके रखते हैं। इनके साथ ना इंसाफी हुई है, इनके पास मेंढरी में मुझे देखते हुए हो गए, इनके पास कोई पटवार खाना नहीं है, यहाँ ये पटवारी बैठ करके अपना काम कर सकें। कोई आदमी सागरा से आता है, मंडकोट से आता है, पेरा से आता है, कालाबंद से आता है, धारकलून से आता है, गरसाई से आता है, उसको पटवारी ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है कि सारा दिन वो भूखा प्यासा घर चला जाता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा इनका वेतन भी बढ़ाया जाए, जो पटवारी गलत है उसको पकड़ा जाए, ना कि पूरे पटवारियों को बदनाम किया जाए। जो कि कौंडी गलूता पंचायत से मैं पेंच हूँ, और मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि हमें पटवारियों से हमदर्दी कम, अपनी आवाम से ज़्यादा है। हमारी आवाम पिछले 5 दिन से सफ़र हो रही है, हमारी गवर्नमेंट एक तरफ से ये दावे कर रही है कि गरीब लोगों और बेवा औरतों को PMAY के मकान दिए जाए, तो मकान तो लिस्टें आ गई हैं, पर हमें जमाबंदी खसरा गिरदावरी के लिए पटवारी नहीं मिल रहा। तो 5 दिन से हमारे लोग जो कि सफ़र हो के जो 200-300 किराया खर्च के इनके ऑफिस तक पहुँचते हैं, पर वहाँ पटवारी नहीं मिलते। तो और भी हमारे कितने काम हैं जिसके लिए हमारे लोग दर बदर हैं। अभी सर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेटर में नहीं बल्कि पूरे JNK UP में जो है पटवार एसोसिएशन, पूरे पटवारी जो है वो बेंट ऑन स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो हमारे जो है सरकार से ये मुतालबा है कि हमारी जो डिमांड्स थी पटवार खाने की, एक तो वो जो है बना कर दिए जाए ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव रहे। दूसरी सर देखो, हमारा जो पे ग्रेड है वो दूसरे डिपार्टमेंट से काफ़ी कम है, हालांकि हम जो हैं ग्रेजुएट जो लोग हैं वो कंपटीशन करके और वहाँ JKSSB के थ्रू आते हैं, तो लेकिन हमारी जो है अभी भी पे ग्रेड 2400 रखा हुआ, उसको 2500 किया जाए। उसके अलावा अजीम जो है सर, हमें ना तो कोई टाइपिंग के लिए कोई कंप्यूटर है, ना कोई टाइपिंग के लिए लैपटॉप है, तो हमें जो है बाहर जाकर टाइपिंग कराना पड़ता है और जेब से पैसे देने पड़ते हैं, वो हमें सर पैसा पड़ता है उसका। हम बाहर अगर जो है वो लेते हैं रेंट पे जो अपना रिकॉर्ड रखते हैं, तो हमें जो है रेंट देना पड़ता है। सर हम कहाँ से लाएंगे रेंट देंगे,
और दूसरी बात सर, हमारा जो एक टाइम है काम करने का, वो अगर हर डिपार्टमेंट का सुबह से 10 से 4 है तो हमारा कोई नहीं है। हमें किसी टाइम पे भी बुलाया जाता है, हम कार्य करते हैं, हमें जो है उसका पूरा जो है वेतन नहीं मिलता है, उसका जो वेज जो है नहीं मिलता है, हमें ये दिया जाए और यही हमें जो है सरकार से। और दूसरी बात है, हमारे जो इस तरह हरासा किया जा रहा है हमें दूसरे डिपार्टमेंट, तो ये कोई भी डिपार्टमेंट जो है पटवारी इसे जो है वो प्रेशर में लाकर गलत करवा सकता है। सर ये कोई अच्छा काम नहीं है कि दूसरे डिपार्टमेंट को आप पटवारी के ऊपर जो है सर पे सवार कर दो ताकि पटवारी जो है डिप्रेस हो जाए। हालांकि पटवारी इतना काम कर रहा है, इसको सराहना चाहिए।